नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारतीय सेना तेजी से दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक सेना बन रही है। देश की सेना को ऐसे ऐसे आत्मनिर्भर हथियार मिल रहे हैं जो अब से पहले कभी नहीं मिले थे। हमारे देश से दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार का टैग हट गया है। मेक इन इंडिया हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन सिर्फ हमले की ताकत ही नहीं बढ़ी, हादसे पर काबू पाने के लिए भी सबसे बड़ा सी सर्वाइवल सेंटर बनकर तैयार है। इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए स्वदेशी शक्ति चक्र, नए भारत के ब्रह्मास्त्र। नए भारत की सच्चाई। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। पिछले 8 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ा है। सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। बीच समंदर में अचानक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया तो अंदर बैठे लोगों की जान कौन बचाएगा? जवाब यहां मिलेगा। रिफाइनरी में अचानक ब्लास्ट हुआ, जहरीली गैस और लिक्विड केमिकल तेजी से हर तरफ फैलने लगा। अगर ऐसा हो गया तो सबकी जान कौन बचाएगा? जवाब इस वीडियो में छुपा है। आधी रात को एक बड़े केमिकल प्लांट में भयानक धमाका हुआ। अंदर फंसे इंसानों की जान कैसे बचेगी? जवाब यहां है। समंदर में उड़ान भरते समय रेस्क्यू मिशन में जुटे एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर के पायलट की जान कौन बचाएगा? जवाब इस वीडियो में देखिए। हमला हो या हादसा, मोर्चा
जवाब देने का हो या बचाव करने का, हिंदुस्तान को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनना होगा। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचे। हमला हो या हादसा, देश दोनों ही मोर्चों पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया तो दूसरी तरफ देश को वो नए हथियार मिल गए जिन्होंने जल थल और आसमान में हिंदुस्तान की शक्ति और आपदा को नियंत्रण करने का सामर्थ्य दोनों बढ़ा दिए हैं। गोवा में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के सेंटर में समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सी सर्वाइवल सेंटर में हर साल 10 से 15,000 लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। ये समुद्री सर्वाइवल सेंटर दुनिया में अपनी तरह का पहला, सबसे बड़ा और अनूठा ट्रेनिंग सेंटर होगा जहां बेहद खराब मौसम और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में फंसे लोगों की जान बचाने वाले शूरवीर तैयार होंगे। और दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की भी है। सेना को सबसे आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं, वो भी मेड इन इंडिया। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। अब कुछ दिन पहले कर्तव्य पथ पर हुए गणतंत्र दिवस की परेड का एक खास हिस्सा देखिए। Sukhoi 30MKI फाइटर विमान गोइंग फास्ट सैल्यूटिंग वे द नेत्र फॉर्मेशन। ये वो नेत्र फॉर्मेशन है जिसकी तीन आंखों ने मिलकर भारत की सीमाओं को अभेद्य बना दिया है। गुणशेखरन सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ एक फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए ऊपर से गुजरे। लेकिन अब तैयारी 12 आंखों वाली तीसरी ताकत की है। इंडियन एयरफोर्स और DRDO मिलकर एक डिफेंस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। क्या है ये प्रोग्राम और किस तरह काम करेगा, आइए जानते हैं। ये अपने आप में भारत का पहला स्वदेशी स्मार्ट गोला होगा जो कि दुश्मन की लोकेशन को टारगेट करके हिट करेगा, यानी कि जब इसे दुश्मन की गाड़ियों पर उसके टैंक्स पर छोड़ा जाएगा तो ये उस पर बिल्कुल निशाना लगाकर उसे ध्वस्त करेगा। नेत्र वन विमान को आसमान में भारत की आंख कहा जाता है क्योंकि नेत्र एक तो ही विमान है जो आसमान में रहकर दुश्मन की हर चाल हर हलचल पर निगाह रखता है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। नेत्र आसमान में उड़ते उड़ते बॉर्डर के पार होने वाली भारत विरोधी हरकत या घुसपैठ की कोशिशों का पता लगा लेता है और ये सारी जानकारी नेत्र फॉर्मेशन में साथ उड़ने वाले फाइटर जेट्स को दे देता है। DRDO का नेत्र हल्के वजन वाला, निगरानी और टोही अभियानों के लिए डिजाइन किया गया मानव रहित हवाई जहाज है। फरवरी 2017 में 3 नेत्र विमान वायुसेना में शामिल किए गए थे। अब इंडियन एयरफोर्स और DRDO मिलकर नेत्र विमान के और घातक 6 Mark 1A और 6 Mark 2 संस्करण विकसित कर रहे हैं। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा।
इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। सिक्स नेत्र मार्क 1A और सिक्स नेत्र मार्क 2, ये 12 आत्मनिर्भर आंखें हिंदुस्तान की सरहदों की चौकसी करेंगी। ये भारत का सबसे एडवांस्ड स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होगा, जो तेजी से विकसित हो रहा है। देश का कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा कि हमारी सेना आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो? हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्रभक्त यही चाहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाइट सूट पहनकर तेजस की उड़ान के लिए निकले तो दुनिया देखती रहेगी। भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उड़ान ने पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर भारत के रक्षा उत्पादों पर भरोसा बढ़ा दिया। और अब भारत का आत्मनिर्भर नेत्र भी सरहद की निगरानी को तैयार है। अब समझिए कि भारत की ये 12 आंखें क्या करेंगी। नेत्र मार्क 1A और नेत्र मार्क 2 की तैनाती पाकिस्तान और चीन से लगी सरहद पर होगी, यानी भारत की ये 12 आंख आसमान में दुश्मनों के विमानों पर और जमीन पर उनकी फौज के हर मूवमेंट पर नजर रखेंगी। 2026 या 2027 तक इन सभी 12 नेत्र विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि जो हम इन एयर, जो आप कहते हो जो ऑपरेशंस के टाइम कि हमारे फाइटर्स को गाइड करना टारगेट की तरफ, वो सबसे बड़ा इनका रोल है। और इसीलिए इनको कहा जाता है देयर फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब आप समझ सकते हैं कि एयर में जो हमारी कैपेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ टाइम रहेगी ऑपरेशंस की, वो कई गुना इन एयरक्राफ्ट्स की बदौलत बढ़ जाती है।